16 मई 2019 को हुए बहुचर्चित हाई प्रोफाइल रोजी सिक्का हत्याकांड को लेकर मृतका रोजी के बुजुर्ग माँ बाप ने लगाई इंसाफ की गुहार। बुजुर्ग माँ बाप ने बताया, कई पुलिस अधिकारियों से लेकर गृह मंत्री तक लगा चुके हैं न्याय की गुहार। अब तक केवल आश्वासन के कुछ नहीं मिला। इस हत्याकांड में उस वक्त पुलिस ने घर के ही नौकर को गिरफ्तार किया था। बाद में नौकर ने बड़े मालिक यानी की रोजी सिक्का के ससुर राजेंद्र सिक्का पर 50,000 का लालच देकर उससे हत्या करवाने की बात कही थी। वहीं मृतका के माँ बाप का कहना है कि शायद बेटी के माँ बाप होना गुनाह है। आज केंद्र और प्रदेश सरकार बेटी बचाओ की बात करती है, लेकिन हमारी बेटी की तो हत्या हुई। तरह तरह की जांच की गई, लेकिन हमारी बेटी की हत्या का आरोपी ससुर को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। हमने 2018 में 20 फरवरी को बेटी की शादी की थी। उसके बाद साल बीत के बाद उसके बाद बच्चा हो गया जी। बच्चा होने के बाद थोड़ा टाइम बीत गया तो 16 मई 2019 को मेरी बेटी का मर्डर हो गया जी। तो ये मर्डर जो है इन्होंने घर वालों ने किया है और नौकर के ऊपर डाल दिया है। नौकर अरेस्ट है अंदर, लेकिन ये बाहर हैं। हमने इनकी जब अपना गए इनके घर तो इन्होंने अपना नौकर के ऊपर 4,000 रुपये दे करके इसको लालच दे करके इन्होंने डाल दिया उसके ऊपर। और नौकर भी मानने को तैयार है। नौकर ने बयान भी दिया है कि मेरे को 50,000 का लालच दिया था बड़े बाबू जी ने, और उनको मर्डर करेगा तू तो फिर उसने कहा मैं मर्डर नहीं करूँगा। जब उसने फिर बाद में कहा कि नहीं तो तू मरेगा, मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है सर। ये मैं जब से हमारी बेटी का मर्डर हुआ है मैंने तीन एसपी बदल चुके हैं। तीनों एसपीओ को ये कंप्लेंट दी है और मेरे को कोई भी वो नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमारे को यही खुला है जी। तो उन्होंने मैंने में बोला था कि उन्होंने मेरे से 10 लाख रुपए भी मांगे हैं। शादी से पहले गाड़ी की डिमांड की थी, गाड़ी दी है उनको। उसके बाद इन्होंने 10 लाख की डिमांड की थी 9 मई 2019 को। 16 मई को फिर फ़ोन आया मेरे पास कि पैसे के हो गए, तैयारी हो गई। मैं कहने अब मेरे पास तैयारी नहीं है, मेरी ज़मीन बिकी है, रजिस्ट्री हो जाएगी, मैं आपको दे दूँगा। लेकिन 3:23 में मेरा फ़ोन आ जाता है कि आ जाओ, कोई चक्कू मार के चला गया। फिर इतना हम घर पहुंचते हैं तो रास्ते में हमारे को पता लग गया कि रोजी को किसी चक्कू मार दिया। घर जाके देखा तो ये वहाँ पर बैठे हुए थे पहले ही, और नौकर को गिरफ्तार पुलिस करके लेके चली गई थी। एसपी साहब के पास भी गए हैं, गृह मंत्री अनिल विज के पास भी जा कर आए हैं। करवाएंगे जी, यही आश्वासन देते थे हो जाएगा जी, आपका होएगा जी। लेकिन हमारे को कहीं से भी कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। मांग यही रखते हैं जैसे मेरी बेटी का गला कट, तब पता लगे इनको कि बेटी का दुख क्या होता है। इसमें ये तो नहीं है कि हमने बेटी जन्मी है तो हम गुनाहगार हो गए हैं, या बेटी को जन्म देना गुनाहगार हो गया। बस हमारे लिए तो यही है जी। मोदी भी कहते हैं और मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या करें, कैसे बचाएं बेटियों को? हमें एक बार ता तो दो भाई, ऐसे बचाओ बेटियों को, ऐसे बचाया जाता है। लेकिन जब ऐसे दरिंदे यहाँ पर हैं जो बेटियों के कत्ल ही कर देते हैं, गर्दन ही काट देती है पूरी, मेरी बेटी की गर्दन पूरी काट दी थी। जोड़ के यही प्रार्थना है सबसे कि ये ऐसी जो बेटियां हैं कि हम बेटियों को बचा नहीं सकेंगे जब तक ऐसे ऐसे दरिंदे हमारे साथ रहे हैं। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।